नोबेल प्राइज 2023 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कैटालिन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को मिला नोबेल अवार्ड। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े किए जारी। बिहार में कुल आबादी 13,07,25,310, बिहार में 27% ओबीसी की आबादी। चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन को पलटाने के लिए लगाए गए पत्थर, बड़ा हादसा हुआ। नई संसद के बाद अब यूपी में बनेगा नया विधान भवन, 200 एकड़ जमीन तलाशने का दिया गया निर्देश। दरभंगा में अनियंत्रित वाहन ने 7 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर हुई मौत, 5 की हालत गंभीर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से दिल्ली से रणथंभौर जाना होगा आसान, 6 घंटे की दूरी महज 4 घंटे में होगी पूरी। सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट, 1 हत्या के बदले 5 मर्डर, जमीनी विवाद के मामले में देवरिया में एक ही घर के 5 लोगों का हुआ मर्डर। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में जुटे 20 राज्यों के कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग बरकरार। मराठवाड़ा के विकास के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ की धनराशि को दी मंजूरी, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार मराठवाड़ा की मुक्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकती।